हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे होंगे ये साड़ी वाड़ी पहन के क्यों रेडी हुई है। तो आज है गौरी आने वाली है, आज बहुत खुशी का दिन है। तो मैं हर साल गौरी की ओटी भरती हूँ, तो इसलिए मैं आज रेडी हुई हूँ गौरी की ओटी भरने के लिए। और मैंने पूरा अपना अटायर महाराष्ट्रियन टाइप किया है। देखिए, मैंने ये नथ पहनी है और तो मैंने सब रेडी कर लिया है, थाली वगैरह गौरी की ओटी भरने के लिए। गौरी की ओटी ना मैं तकरीबन 22 साल से भर रही हूँ। अतिथि का जन्म हुआ था जिस दिन गौरी आती है, उस दिन मतलब जिस दिन गौरी बैठती है ना, उस दिन अतिथि का जन्म हुआ है। तो वो पहला साल तो नहीं, पर दूसरे साल से मैंने गौरी की ओटी भरना स्टार्ट कर दिया था। और तब से मैं गौरी की ओटी भर रही हूँ और आज मुझे इतने साल हो गए। तो और मैं इसी तरह से अपना पूरा लुक करके गौरी की ओटी भरने जाती हूँ साड़ी वाड़ी पहन के। और आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि गौरी भी घर पे आती है और अतिथि भी घर पे आई, इसलिए मेरे लिए ये डबल खुशी का दिन है। तो मैंने सब रेडी कर लिया है गौरी की ओटी भरने के लिए। गौरी आती है गाइस, वो अपने मायके आती है गौरी, और उसे लाते हैं और 16 तरह के पकवान बनाते हैं उसके लिए, 16 श्रृंगार करते हैं उसका, और बहुत 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 धूमधाम से उसको मतलब वेलकम करते हैं। और फिर तीसरे दिन उसका विसर्जन करते हैं। तो ये मंथ तो पूरा सेलिब्रेशन वाला मंथ है। गणपति बप्पा आए, उसके पहले हरतालिका तीज थी, तीज में पार्वती जी आए थे, उसके बाद उनका विसर्जन हुआ, उसके बाद गणपति जी आए और अब है गौरी। तो बहुत 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 खुशी का दिन है आज का दिन तो। और उसी खुशी में मैं अच्छे से थोड़ा सा आई मेकअप भी कर ली हूँ। देखिए, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी मैंने आज किया है, क्योंकि गौरी के लिए हम 16 श्रृंगार करते हैं और गौरी को भी 16 श्रृंगार करते हैं, इसलिए हम भी खुद खुद सज धज लेते हैं अच्छे से और उसकी ओटी भरने जाते हैं। तो ओटी में मैंने सामान लिया है, उसमें है चावल, नारियल और अखरोट है, और फिर चूड़ी है गौरी के लिए, सभी मतलब गौरी को जो जो चीज लगता है, हल्दी कुंकू है, और हल्दी का एक टुकड़ा लेते हैं ओटी भरने के लिए, और वेणी लेते हैं, पर आज मुझे ना वेणी मिली नहीं है, तो देखती हूँ अभी जाते जाते मुझे मिल जाएगी तो मैं ले लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने गौरी की ओटी का सामान और फ्रूट्स ले लेते हैं। तो गौरी की ओटी का सामान मैंने रेडी कर लिया है, और मेरे पार्लर है ना जहाँ पे, उसी बिल्डिंग में ऊपर गणपति जी आते हैं और वहीं पे गौरी की स्थापना भी करते हैं। वो लोग बहुत अच्छे से गौरी को सजाते हैं, पूरा 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 मतलब आप देखिएगा, मैं आपको शूट करके दिखाऊंगी, इतना सुंदर लगता है गाइस कि ना पूछो बात, मतलब देखते ही रहो, क्या तो मैं देखूँ और क्या नहीं। गौरी की चूड़ी देखूँ या उसके ऑर्नामेंट्स देखूँ या उसका मेकअप, मतलब वो जो पूरा सजाया साड़ी देखूँ उसकी, या तो गाइज मुझे बहुत अच्छी लगती है गौरी जब वो लोग डेकोरेट करते हैं इतना अच्छे से, और दिल करता है वहां से हटो ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ओ मुझे ये जरा सा कुछ तो भी लग रहा है नहीं, पर गाइज ये अच्छे से बैठ गई है और अच्छे से आ गई है, मुझे ऐसा कुछ इरिटेशन जैसा कुछ नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपना फेस। और इसी तरह से मैं सज धज के गौरी की ओटी भरने जाऊंगी। वो लोग महाराष्ट्रियन है तो मैं इस तरह से अपना महाराष्ट्रियन लुक करती हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं सब लोग। तो गाइस चलिए चलते हैं गौरी की ओटी भरने, और फिर ओटी भर के हो जाएगा तो उसके बाद हम शाम को गणपति की आरती भी एक अटेंड करेंगे। वो आरती का भी मैं आपको शूट करके बताऊंगी पूरी आरती इस तरह से। तो गाइज मेरा ये लुक आपको कैसा लग रहा है, आप
मुझे बताइएगा। जो भी मेरे चैनल पे आज नए ज्वाइंट हुए हैं उनको मैं बता देती हूँ, आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल, और बस मेरे वीडियोस देखते रहिए और इसी तरह से मुझे एनकरेज करते रहिए और लाइक्स बढ़ा दीजिए मेरे वीडियो पे, व्यूज़ बढ़ा दीजिए और कमेंट्स कीजिए अगर आपको भी कुछ जानना हो तो। मैं हूँ ब्यूटिशियन, तो ब्यूटी के बारे में कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता देते। तो चलिए गाइस, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं फटाफट आपको ले जाती हूँ गौरी की ओटी भरने। ओके, गाइज मैंने बिंदी भी देखी है, चंद्रकोर आकार की लगाई है जो स्पेशली महाराष्ट्रियन लोग लगाते हैं। मैं याद करके लेके आई थी कि मुझे इस तरह से बिंदी लगानी है। गाइज मैं आज बहुत खुश हूँ और खुशी मेरे फेस पे झलक रही है क्योंकि गणपति बप्पा, पूरा माहौल इतना खुशमय हुआ है, हर जगह स्पीकर बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, रात को हर जगह लाइटिंग दिखती है। तो अब शाम होने आई है और चलिए गौरी की ओटी भर देते हैं पहले, उसके बाद गणपति के दर्शन करने भी जाएंगे और जगह पे, और मैं ऑब्वियसली मैं जहाँ भी जाऊँगी वहाँ आपको तो लेके ही जाऊँगी। मैं आपको मेरा साड़ी का लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह की साड़ी मैंने पहनी है, इसका ये पल्लू है, ये देखिए। तो आज का मेरा लुक इस तरह का है। और कभी कभी गाइस साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। महाराष्ट्र में है ना गाइस, गौरी का बहुत महत्व है, यहाँ पे खूब धूमधाम से गौरी को लाते हैं और जैसे लड़की अपने मायके आती है उसी तरह गौरी का आगता स्वागता करते हैं, गौरी का पूरा श्रृंगार करते हैं और गौरी को 16 तरह के पकवान खिलाते हैं, दूसरे दिन गौरी को खीर का नैवेद्य चढ़ाते हैं और उस तरह से, और बहुत बहुत तरह के कोशिंबीर बनाते हैं, मतलब सैलेड वगैरह 16 तरह के वो सैलेड भी बनाते हैं, कोशिंबीर बनाते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे से गौरी की पूजा करते हैं और वो सब देखना मुझे बहुत पसंद आता है। मैंने तो मैं आपके साथ भी ये सब शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं गौरी की ओटी भरने फटाफट। ये मैंने थाली तैयार किया है गौरी की ओटी भरने के लिए, उसमें लिया है मैंने नारियल, हल्दी कुमकुम है ये, और केला लिया है, और ये जो ओटी का सामान लगता है वो सब मैंने लिया है, और सुबह वेनी लेना मैं भूल गई, तो अभी देखती हूँ कहीं मिलेगी बाहर तो ले लेती हूँ, नहीं तो इससे काम चलाना पड़ेगा। तो गाइस चलिए चलते हैं देवी की ओटी भरने।
गौरी माता की जय। तो मैं गौरी की ओटी भर के आ गई हूँ। गणपति बप्पा के दर्शन भी कर लिए हैं और ये मुझे मोदक प्रसाद में मिला है और लड्डू प्रसाद में मिला है। ये मोतीचूर के लड्डू अतिथि के बहुत फेवरेट है। तो गाइस, अब मैं गौरी की ओटी भर के आ गई हूँ घर पे। पूरा पसीना पसीना हो गया, गर्मी बहुत है। और अब थोड़ी देर में हम चलेंगे गणपति की आरती में। 8:30 बजे गणपति की आरती होगी, तो तब हम गणपति की आरती होगी। और अभी थोड़े समय प्रसाद खा लेती हूँ जो गौरी का मिला, मैंने आपको दिखाया, तो वो प्रसाद खा लेते हैं थोड़ा अच्छे से और फिर चलते हैं गणपति के दर्शन को, गणपति की आरती में। हे गाइस, तो गौरी की ओटी भर के मैं आ गई हूँ और अब मैं चल रही हूँ गणपति के आरती के लिए। रेडी हुई हूँ। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल। और अभी मैंने गौरी की ओटी भरी और वहां से मैं प्रसाद वगैरह लेके घर आ गई हूँ। और अब मैं जा रही हूँ, 8:30 बजे गणपति की आरती है, तो अब मैं जा रही हूँ गणपति की आरती अटेंड करने। तो वो पूरी आरती आपको शूट करके दिखाऊंगी कि कैसा लगा आपका। अगर आपको अच्छी लगी आरती, आपको मेरे साथ मैं गणपति के दर्शन कराऊंगी, अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं और ये वाला वीडियो, स्पेशली गणपति की आरती वाला वीडियो कैसा लगा। गणपति जी के दर्शन आपसे अच्छे से हुए कि नहीं आपके, मैंने कोशिश करूंगी मैं अच्छे से दर्शन कराने की और पूरी आरती आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए निकलते हैं गणपति की आरती में।